चिल्कार फिशिंग कैटर सुरक्षा पाई एक सचेतन कार्यक्रम टांगी वन्यप्राणी विभाग कार्यालय परिसर रे अनुष्ठित हो जाइछि। चिल्कार थिबा नळबणे रे बाघाड़ी नामक जीव देखा मिलूची जहाँ को चिलिकाकुलिया गाँवर लोक मैंने बाघाड़ी बोली कहती। एम केवल माछ खाई बंची था जीव बहुत कम संख्यार देखा जाए। पश्चिम बंगर एक रिसर्च टीम यह 2020 मसीह सर्वे कर सीसी फुटेज रे कैद करने एम सुरक्षापाई एक मोटरसाइकल शोभायात्रा भूषणपुर ठार बाहरी फ्लाग कार्ड धरी टांगी वन्यप्राणी ऑफिस प्रांगण में सचेतना सभा आयोजन होता। सीडीए रो ऑफिसर मिहिर कुमार जेना टांगी वन्यप्राणी विभाग रेंजर चूड़ामणि मुर्मू एही बाघाड़ी को उपरे रिसर्च करुवा रिसर्च पर्सन प्रमुख सम्यक सूचना देते। बाघाड़ी एक आर्द्रभूमि प्राणी आगामी दिन में पक्षी देखापी जेपरी पर्यटक आसपरी बाघाड़ी देखा पर्यटक भिड़ जमीबो बोली गवेषक तथा रिसर्च पर्सन एवं सीडीए पक्षरु कहा जाइछि। मुं मिहिर कुमार जेना सहकारी मुख्य सहकारी वन संरक्षक चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी बाघाड़ी है आमर इंग्राजी में कह जा फिशिंग कैट तम फिशिंग कैट को ओडिया कहचे जे बाघाड़ी बाघाड़ी हूँ गोटे आम आर्द्रभूमि गोटे जीव जोटा कि बाघ सिंह कि आमर हाथी भली गोटे जीव जोटा कि शेड्यूल वन एनिमल भितर रखा जा रक्षणाबेक्षण हूँ बहुत गुरुदायित्व सरकार जोटा कि विलुप्त प्राय जीव ये आ देखा जाऊना से आम कमी संरक्षण कर रखा भविष्य में तार संख्या कमी बढ़ावा यहाँ हूँ आम मुख्य दायित्व यही आम गोटे सचेतनता शिविर कर जमती आपण मैने हाथी बाघ देखुं समाज उपर कौन प्रभाव रोचे आप साधारण भाव जापर ना संतुलित करने लगी तमें आमर गोटे जमी फूड चेन करा जे बाघ हरिण को खाइब हरिण घास को खाइब हेले घास संख्या आस्ते आस्ते ना जी खाली हरिण रही है सब घास को सफा करदे गछ सफा करदे जंगल भी रोना से हरिण रहा दरकार घास रहा दरकार कि अन्न्य गछ रहा दरकार बाघ भी रहा दरकार से अनुपात से समस्त जीव रहा दरकार आम पृथ्वी पृष्ठ से आमको संतुलित कर रखा लगे समाज जो वेस्ट बेंगल जो संगठन दि फिशिंग कैट प्रोजेक्ट ये हूँ गोटे एनजीओ बा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि आगे आए जे एमती फिशिंग कैटर रक्षणाबेक्षण करेंगे आउ तार संख्या केमी बढ़े बर्तमान एत संख्यार अच्छा चिलिकार यहाँ आम जान नु से प्रथम टाइम से मानकर सहायत आम चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं चिलिका वन्यप्राणी विभाग पूरा मिलित उद्यम से कम को आगे नहीं संपूर्ण भाव में सरीगला पर जना पड़ो जो चिलिकार केते अच्छा संख्यार केते संख्यार अच्छा आमर ये बाघाड़ी राधाकांत साहू ब्रह्मगिरी देखत आज फिशिंग कैट हूँ विश्वर गोटे विलुप्त वन्यप्राणी जमती हाथी बाघ गंडा गयल भारतीय वन्यप्राणी आईन 1972 मसीहा अनुजाई गोटे शेड्यूल वन जाऊँच फिशिंग कैट गोटे शेड्यूल वन वन्यप्राणी अटे यार सुरक्षा जेहतु विलुप्त प्राय वंश यार सुरक्षापी आज सीडीए एवं फिशिंग कैट प्रोजेक्ट अंटा भिड़ा बेले आम चिलिका चारिपाश्वे अधिकवासी भर सामिल होभरी गोटे विलुप्त पाणीर सुरक्षा निश्चिंत भाव में जमी एरवाड़ डल्फिन दिने चिलिका को पर्यटनमुखी कला सेमती दिने आशा करूँ
ଚିଲିକାକୁ ଏଇ ବିରଳ ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍ ଦିନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭିମୁଖୀ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଚିଲିକା ବାଘାଡ଼ି ବଞ୍ଚିଲେ ଚିଲିକା ବଞ୍ଚିବ, ଚିଲିକା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଚିଲିକାର ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଏଇଥିପାଇଁକା ଚିଲିକାର ସମ୍ପଦ ହେଲା ମାଛ, ଏବଂ ମାଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଉଭୟ ବାଘାଡ଼ି ଏବଂ ଚିଲିକା କୂଳର ଅଧିବାସୀ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପଦ। ମୋ ନାଁ ଟିଆଶା ଆଢ୍ୟା, ମୁଁ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଅଫ୍ ଦ ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍ କନଜରଭେସନ ଆଲାଏନ୍ସ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। 8ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଶରେ ସେ ବାଘାଡ଼ି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେଇଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ। କାରଣ କି ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍ର ଉପରେ କାମ, କାରଣ ହେଉଛି ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି। କିସେ ପ୍ରତିନିଧି ନା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି, ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ମାନେ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ। ଅର୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବ ଏବେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ସମୟଟା ହେଉଛି ଯେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବି ମରି ପାରି ମାନେ ମରିଯିବ। ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ଯେଉଁ କାମଟା ସେଇଟା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି କି କରିବ, କାର୍ବନ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବ। ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଯିବା ମାନେ ଯଦି ଚଲିଯିବ ତାହେଲେ କାର୍ବନଟା ବାତାସେ ଛଡ଼ି ମାନେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଲିଜ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଛଡ଼ିଏ ପଡ଼ିବ। ତ ବାଘାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିର ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ବାଘାଡ଼ି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାଣୀ, ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାଣୀ, ତାଇ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଚିଲିକାତେ ସେ ଅଛି, ତାର ମାନେ ଚିଲିକାର ଏବେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦିକେ ଅଛି। ଯଦି ଏବେ ବି ଚିଲିକାବାସୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଚିଲିକା ରକ୍ଷା କରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରକ୍ଷା କରିବ, ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରକ୍ଷା କରିବ, ଏବେ ବି ଚିଲିକା ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଚିଲିକା ବଞ୍ଚିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଚିଲିକାବାସୀ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ, ବାଘାଡ଼ି, ଉଧ ସବୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ବାଘାଡ଼ି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ, ଜୀବନର ସିମ୍ବଲ, ଏଥିପାଇଁ ବାଘାଡ଼ି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଚିଲିକାରୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।